और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, मुंबई में कंगना की बहन रंगोली आज उनके दफ्तर पहुंची है। कंगना के इसी दफ्तर को कल बीएमसी ने तोड़ा था। दफ्तर के अंदर हुई तोड़फोड़ के बाद कंगना और शिवसेना के बीच घमासान और तेज हो गया है। इस बीच कंगना के घर को भी बीएमसी ने भेजा है नोटिस। तो आज उनकी बहन रंगोली पहुंची है उसी दफ्तर जहां कल बीएमसी ने हथौड़ा चलाया था। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि कंगना रनौत पहुंचे, लेकिन कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी किया था और आज उनकी बहन रंगोली पहुंची है उसी दफ्तर जहां बीएमसी ने कल तोड़फोड़ की थी। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी ये कि कंगना के घर को भी बीएमसी ने नोटिस भेजा है, यानी अब बीएमसी का अगला वार कंगना के घर पर होगा। लेकिन दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से कंगना रनौत के दफ्तर को कल ढाया गया था, तोड़ा गया था। फर्स्ट फ्लोर पर तोड़फोड़ की गई थी, बाहर तोड़फोड़ की गई थी, यह कहते हुए बीएमसी की तरफ से कि इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया कंगना रनौत की तरफ से और इसीलिए यह कार्रवाई हुई है। लेकिन आपको बता दें, दो नोटिस दिए गए थे कंगना रनौत को, एक दिया गया था पहले जिसमें 24 घंटे का वक्त दिया गया था और उसके बाद एक नोटिस कार्रवाई से कुछ ही देर पहले चस्पा किया गया था उनके गेट पर, लेकिन उसके बाद सीधा हथौड़ा बीएमसी की तरफ से चला दिया गया था। और जब कंगना रनौत पहुंची थी मुंबई, उसके बाद उन्होंने बाकायदा ट्वीट के जरिए तो वार करती ही रही, लेकिन इस सबके बीच उनकी तरफ से वीडियो भी जारी किया गया। उन्होंने कहा, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। सीधा निशाना उद्धव ठाकरे पर साध रही थी, लेकिन आज उनकी बहन रंगोली पहुंची है उसी दफ्तर। हम सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई, दिवाकर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिवाकर, रंगोली वहां पर पहुंची, अभी क्या हलचल वहां पर दिखाई दे रही, क्योंकि सबसे बड़ी खबर यह मिल रही है कि अब घर को नोटिस बीएमसी की तरफ से। देखिए गायत्री, करीब 2 से 3 मिनट पहले रंगोली फिर से, जो कंगना का घर है जिस इमारत में, यहीं पर फिर से वो दफ्तर गई थी। दफ्तर के बाद जो है फिर से यहां पर पहुंची हैं और यहीं से गाड़ी, जो अंदरूनी हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं, यहीं से गाड़ी अंदर रंगोली की गई है। और खासतौर पर वहां पे जो जानकारी मिल रही है कि 5 से 10 मिनट रंगोली वहां थी और इस दौरान उन्होंने जो अंदर तोड़फोड़ की गई थी बीएमसी के द्वारा, उसका जायजा लिया है और आके जानकारी वो कंगना को देंगी साफ तौर पर कि वहां पर क्या हालात है इस वक्त दफ्तर में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है यही चीज है कि कंगना के नीचे उतरने का लोग इंतजार कर रहे हैं कि कंगना क्या नीचे उतरती हैं, अपने दफ्तर की तरफ जाएंगी। लेकिन रंगोली थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकली थी और फिर वापस आ चुकी हैं। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, कंगना की सिक्योरिटी में जो की गाड़ी है, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लगातार जो है उन्हें सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। जब से उन्हें ठहर दिया गया था शिवसेना की तरफ से, तब से केंद्र सरकार ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया था। और इसके साथ ही साथ अब मुंबई पुलिस की भी सुरक्षा है, मुंबई पुलिस की टीम यहां पर कल से ही जो है जमी हुई है। पूरी रात मुंबई पुलिस की टीम यहां पर सुरक्षा व्यवस्था दे रही थी और अभी भी मुंबई पुलिस की टीम यहां तैनात है, यानी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद रखी गई है। और जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि कंगना जो है थोड़ी देर में अपने घर से निकलकर उस दफ्तर में जाए जहां कल बीएमसी ने तोड़ा कार्रवाई की थी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज इस वक्त की सबसे यही है कि इंतजार जो है कंगना का ये चल रहा है इस वक्त की, आखिर वो क्या नीचे उतरती है। ये देखिए, मैं उनके अंदर जो गेट के अंदर की तस्वीर का फिर से आपको दिखाता हूँ, जहाँ से इस वक्त कंगना रनौत को निकलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि मुंबई पुलिस की टीम और जो सीआरपीएफ की टीम है वो अंदर भी कंगना के घर के में भी मौजूद है। तो महत्वपूर्ण चीज यही है कि रंगोली जिस तरह से बाहर निकली है, 10 मिनट के आसपास उस दफ्तर में रही, क्योंकि यहाँ से 5 मिनट की दूरी उनका दफ्तर है, तो 5 मिनट की दूरी के बाद वहाँ 10 मिनट रही है, फिर वापस आ गई है। हो सकता है कि कंगना को आके वो सारी जानकारी दे कि आखिर वहां पर क्या क्या तोड़क कार्रवाई की गई है, और उसी के हिसाब से 3 बजे जो हाईकोर्ट में जो है सुनवाई होनी इस मामले को लेकर। ठीक है दिवाकर, दिवाकर आप रहिए हमारे साथ, हम सीधे अरुण की तरफ रुक कर लेते हैं। दफ्तर जहां रंगोली पहुंची थी अब से कुछ ही देर पहले, जैसे कि जानकारी दिवाकर दे रहे हैं, अरुण रंगोली पहुंची थी, बता रहे दिवाकर, से 10 मिनट रुकी, क्या उन्होंने देखा और क्या वापस कंगना के साथ लौटेंगी? देखिए रंगोली यहाँ पर आई थी जो कंगना रनौत की बहन है, और अपने प्रोडक्शन हाउस पर वो आई थी, दरवाज़ा उनके लिए खोला गया था, 5 मिनट के आसपास वो अंदर रही थी, उसके बाद वो निकल गई यहाँ से। कहा यही जा रहा है कि कंगना रनौत के साथ वो दिन के किसी वक्त यहाँ आ सकती हैं। हालांकि कल उनके वकील ने मना किया था, उनका ये कहना था कि कंगना रनौत के यहाँ आने की कोई संभावना नहीं, लेकिन उनकी बहन आई है तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कंगना रनौत भी आ सकती है, क्योंकि आज ही हाई कोर्ट में सुनवाई भी है और उसमें 3 बजे के आसपास से सुनवाई है। क्या कुछ निकल के आता हाई कोर्ट में ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल स्टे लगा दिया था हाई कोर्ट ने कि यहाँ पर अब कोई तोड़फोड़ नहीं हो सकती है, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, लेकिन बीएमसी को जो कुछ करना था वो पहले ही उसने कर दिया है। जो कुछ भी उसको इलीगल कंस्ट्रक्शन को ढहाना था वो ढहा चुका है, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सिर्फ स्ट्रक्चर ही दिखाई दे रहा है, इसके अंदर सारा फर्नीचर, सारी पेंटिंग, सारे फैन, फ्रिज, टीवी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। और खुद उनके वकील ने ये कहा है कि वो हर्जाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर करेंगे कि उनकी उन चीज़ों को भी नष्ट कर दिया गया जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंडर नहीं आते, यानी पेंटिंग्स दीवार पर लटकी होती हैं उनको कैसे तोड़ दिया, फर्नीचर को कैसे तोड़ दिया,
तो फिलहाल कंगना रनौत का जो प्रोडक्शन हाउस है पाली हिल में, वहां पर दरवाजे पर ताला फिर अंदर से बंद कर दिया गया है। रंगोली यहां से जा चुकी है, अब कंगना रनौत यहां आएंगी क्या, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल कंगना रनौत यहां आएंगी, एक बड़ा सवाल है। दिवाकर की तरफ एक बार फिर से रुख करते हुए, दिवाकर क्या घर को भी नोटिस दिया गया है, क्योंकि इस तरह की जानकारी मिल रही है? गायत्री फिर से अपना सवाल दोहराएंगी प्लीज। क्या घर को भी नोटिस दिया गया बीएमसी की तरफ से कंगना के? देखिए बीएमसी की जो नजर है वो खास तौर पर कंगना रनौत के जो है वो दफ्तर पर भी थी और घर पर भी थी, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि शायद बीएमसी की तरफ से नोटिस दे दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यही है कि बीएमसी इस बात का इंतजार कर रही है कि आज हाई कोर्ट में जो सुनवाई है उसमें कोर्ट का क्या फैसला आता है। कहीं ना कहीं जब वो कल दफ्तर में जो है कार्रवाई कर रहे थे, उस दौरान उनके वकील ने मुंबई हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी जो है जो तोड़ा कार्रवाई उसे रुकवाने के लिए, और जैसे ही बीएमसी के अधिकारियों को पता चला था कि कोर्ट में मामला पहुंच गया है, उन्होंने तुरंत तोड़क कार्रवाई जो है वो बंद कर दिया था और वहां से रफू चक्कर हो गए थे। मतलब हमने उनसे जब सवाल भी पूछा था कि आखिर क्या क्या तोड़ा गया, तो वो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे थे। एक सवाल और भी उनसे पूछा गया था कि आखिर किसके आदेश पर हो रहा है, कह रहे हैं ऊपर से जो आदेश आ रहा है उसी आदेश के हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण चीज ये है, बीएमसी भी इसी बात का इंतजार कर रही है, क्योंकि कल बीएमसी को कोर्ट ने काफी डांट फटकार लगाई थी कि आखिर आपने इस तरह से थोड़ा कार्रवाई कैसे की, क्या नियम है। तमाम चीजों की जानकारी आज बीएमसी को इस पूरे मामले में रिप्लाई फाइल करना है मुंबई हाईकोर्ट में गायत्री, और इस रिप्लाई में देखने वाली बात होगी कि आखिर बीएमसी क्या जवाब देती है इस हाईकोर्ट में, और उसके बाद अगर हाईकोर्ट का फैसला क्या होता है ये महत्वपूर्ण होगा। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा अरुण, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नोटिस कंगना को ही क्यों भेजे जा रहे हैं? आप देखिए पहले ऑफिस को नोटिस भेजा जाता है, दो नोटिस दिए जाते हैं जिसमें एक 24 घंटे का वक्त दिया जाता है, दूसरा कार्रवाई से ठीक पहले उनके गेट पर चस्पा किया जाता है, लेकिन उसके ठीक बाद कार्रवाई कर दी जाती है, और अब घर को भी नोटिस, ये नोटिस सिर्फ कंगना को ही क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि कंगना रनौत लगातार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल और इस तरह के बयान दे रही हैं जो शिवसेना को और महाराष्ट्र सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसलिए कंगना रनौत निशाने पर हैं। उन्होंने पहले मुंबई पुलिस पर बयान दिया, उसके बाद मुंबई की POK से तुलना की, तो ये तमाम जो बयान है वह शिवसेना की जो छवि है जो उसकी पॉलिटिकल स्टाइल है उसको सूट नहीं करता, और मुंबई में आकर के कोई शिवसेना को अगर चुनौती देता है तो शिवसेना इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शिवसेना को ऐसा लगता है कि मराठी गौरव और मराठी अस्मिता की एकमात्र ठेकेदार वही पार्टी है, दूसरा कोई आकर के यहाँ अगर इस तरह की बात करेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। ये बात किसी से छिपी नहीं है, लीगल कार्रवाई हो रही है, ये बीएमसी भी कह रही है, महाराष्ट्र सरकार भी कह रही है, लेकिन तरीका क्या है और टाइमिंग क्या है इस पर सवाल उठता है। ये जो प्रोडक्शन हाउस है आप इसको ध्यान से जरा देखिए, जहाँ पर इसका निर्माण तोड़ा गया है सामने जो जिसको छतरी कहते हैं, बरसात का पानी रोकने के लिए बनाया जाता है, उसके ठीक बगल में तीन निर्माण और हैं, उनको जैसे का तैसे छोड़ दिया गया है, तो ये बात किसी से छुपी नहीं है। और खुद अरुण एक सेकंड आपको रोकते हुए, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, इस वक्त बड़ी खबर है कि कंगना ने घर को मिले बीएमसी के नोटिस पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को घेरा है। कंगना के मुताबिक वो जिस बिल्डिंग में रहती है वो शरद पवार से संबंधित है और उन्होंने शरद पवार के पार्टनर से फ्लैट खरीदा था, ऐसे में जवाब देने की जिम्मेदारी शरद पवार की है। इससे पहले शरद पवार के हवाले से खबर आई थी कि वो कंगना के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ से नाखुश और उन्होंने ऐसी कार्रवाई से सरकार की छवि खराब होने की बात कही थी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात कंगना की तरफ से कहते हुए ये कहते हुए उन्होंने कहा है कि दरअसल ये उन्होंने शरद पवार की ये बिल्डिंग है, उन्हीं से ये घर खरीदा गया था, और ऐसे में अगर शरद पवार ये कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई की गई है वो गलत है, लेकिन वो खामोश क्यों है? क्योंकि जवाब तो उनको देना होगा। कंगना रनौत ने ट्वीट भी किया, वो ट्वीट भी आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा ये सिर्फ मेरे फ्लैट का नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग का मामला है और ऐसे में बिल्डर पर मामले की जिम्मेदारी है, ये बिल्डिंग शरद पवार से संबंधित है और उनके पार्टनर से हमने ये फ्लैट खरीदा था, इसलिए वो जवाब दे हैं ना कि मैं। तो ये ट्वीट कंगना रनौत की तरफ से करते हुए दिवाकर, कंगना रनौत कह रही है कि शरद पवार को जवाब देना चाहिए, लेकिन कल तक तो शरद पवार कह रहे थे कि कार्रवाई ठीक नहीं है जो की गई है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, बीएमसी की तरफ से, अब ये सवाल तो शरद पवार पर। गायत्री कंगना रनौत लगातार आक्रामक नजर आ रही है, जब से उनके घर में तोड़क कार्रवाई, खासतौर पर दफ्तर जो है जहां पे तोड़क कार्रवाई जो है बीएमसी के द्वारा की गई, तभी से वो बेहद ही गुस्से में हैं और लगातार जिस तरह से बीएमसी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, क्योंकि बीएमसी में जो सत्ता है वो शिवसेना की है और शरद पवार ने नाराजगी तभी जताई थी जब शिवसेना ने वो कदम उठा लिया। अब जब शिवसेना अपने प्रवक्ताओं को कह रही है कंगना रनौत को लेकर वो कोई बयान ना दे, ये एक वही कहावत की तरह हो गई कि अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत। ये कहानी यही है कि बीएमसी ने तोड़क कार्रवाई जोश में आके कर दी,
लेकिन अब जब मामला विवाद में आ गया है, तमाम जो है सोशल मीडिया से लेकर पब्लिक प्लेटफॉर्म तक लेकर वहां पर जो है निंदा हो रही इस पूरे कार्रवाई की, और जो आदेश है सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का, कि 30 सितंबर तक किसी भी प्रकार का डेमोलिशन नहीं होगा, तो आपने कार्रवाई कैसे की? और ये मुख्य पॉइंट है जो मुंबई हाईकोर्ट में कंगना के वकीलों की तरफ से उठाया जाएगा कोर्ट के सामने, कि आखिर कार्रवाई किस बेस पर की गई। और महत्वपूर्ण यही है कि शरद पवार जिस तरह से ये विरोध कर चुके हैं, अपनी सरकार के ऊपर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ठाकरे सरकार के लिए और शिवसेना के लिए मुश्किलों भरा है। सरकार पर तो सवाल है, लेकिन आप जिस तरीके से कंगना ने कहा, ये सवाल अब शरद पवार पर भी खड़ा होता है, क्योंकि उनकी बिल्डिंग बता रही है कंगना रनौत। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक्टर कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जारी घमासान के बीच कंगना ने इशारों में सीएम उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला। कंगना ने ट्वीट कर बिना नाम लिए उद्धव को वंशवाद को सिर्फ वंशवाद का नमूना बताया। कंगना ने चुनौती दी कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक आवाज बंद करने पर लाखों आवाज उठेंगी। कंगना ने एक और ट्वीट कर शिवसेना की तुलना सोनिया सेना से की और शिवसेना पर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से भटकने का आरोप भी लगाया। तो ये बड़ा हमला उद्धव ठाकरे पर कंगना रनौत की तरफ से। ट्वीट करते हुए कंगना रनौत ने सीधा निशाना उद्धव ठाकरे पर, हालांकि नाम नहीं लिया। कंगना ने उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना एक और ट्वीट किया और क्या लिखा वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लोगों में गूंजेगी, लाखों लोगों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, ये सवाल भी कंगना ने उठाया। और ये सवाल भी उठाते हुए बोली, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे, तुम कुछ नहीं हो सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। तो ये बड़ा हमला उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना कंगना रनौत ने ट्वीट के जरिए किया। कंगना ने एक और ट्वीट किया, एक और ट्वीट में शिवसेना की तुलना सोनिया सेना से की कंगना रनौत ने, और कंगना ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी आपको दिखाते हैं। कंगना ने लिखा, जिस विचारधारा पर श्री बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुकी है। जिन गुंडों ने मेरे पीछे मेरा घर तोड़ा उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। ये एक और ट्वीट कंगना रनौत की तरफ से। इन दोनों ट्वीट के क्या मायने, सीधे अरुण की तरफ। अरुण, एक बड़ा हमला, उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं लिया लेकिन वंशवाद का एक नमूना भी बताया। देखिए, शरद पवार ने जो इशारा किया था और शरद पवार जिस बात से डर रहे थे, अनुभवी राजनेता, वही अब हो रहा है। आपने कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ दिया, आप उनके घर को नोटिस दे सकते हैं। कंगना चुप रहने वाली नहीं है, वो एक के बाद एक ट्वीट कर रही है, तो आगे क्या आप लीगल फ्रेमवर्क में क्या कार्रवाई कर सकते हैं कंगना के खिलाफ? इसीलिए जब एक इंडिविजुअल के खिलाफ पूरी सरकार खड़ी हो जाती है, तब आपको अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। शरद पवार अनुभवी राजनेता है, वो चाहते थे कि मामला यही रुक जाए, क्योंकि कंगना को रोक नहीं सकते आप। वो रोज मुख्यमंत्री पर हमले करेंगे, मुख्यमंत्री के खिलाफ ट्वीट करेंगी, क्योंकि उनका प्रोडक्शन हाउस तोड़ा गया है। तो अब बीएमसी ज्यादा शरद पवार की बिल्डिंग है, ये दावा कर रही है कंगना रनौत, और उन्हीं के पार्टनर से इस फ्लैट को खरीदा गया, यानी अगर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसकी जवाबदेही कंगना कह रही कि उनकी नहीं बल्कि शरद पवार की, उस पर बोले। देखिए, ये शरद पवार के ऊपर निर्भर करता है, क्या कंगना जो कह रही है वो सही है कि नहीं, इस पर शरद पवार ही सफाई दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि हुआ और जैसा कि हो सकता है कि ये कोई जरूरी नहीं कि पूरी बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो इलीगल हो सकता है कि कंगना रनौत, बीएमसी ये कहे कि कंगना रनौत का जो फ्लैट है उसके अंदर उन्होंने अवैध निर्माण कर रखे हैं, क्योंकि जो नक्शा पास होता है बीएमसी से और अथॉरिटीज से उसी के मुताबिक आप निर्माण कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा कोई निर्माण नहीं कर सकते, एक दीवार नहीं बना सकते। इस घर के अंदर जो कुछ तोड़ा गया है उसमें बीएमसी का यही तो तर्क है कि जो नक्शा पास हुआ था उसके अलावा निर्माण किए गए हैं। अमूमन हर घरों में ऐसा होता है कि फ्लैट लेने के बाद कोई पार्टीशन कर देता है। अरुण, आपके पास लौट रहे हैं एक और बड़ी खबर। इस वक्त बड़ी खबर है कि दफ्तर पर चले बुलडोजर विवाद में कंगना ने बीएमसी के साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कंगना और उनके समर्थकों की तरफ से लॉकडाउन के दौरान की गई इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चूंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान देश भर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक है, और इसीलिए इसे अदालत की अवमानना बताया जा रहा है। और इस बीच कंगना के दफ्तर पर चले बुलडोजर को लेकर हाईकोर्ट ने भी तीखी टिप्पणी की। कंगना लगातार दावे कर रही है कि उनके दफ्तर के निर्माण में कुछ भी गैर कानूनी नहीं था, इसलिए बीएमसी की कार्रवाई अवैध है। कंगना के दफ्तर पर हुई कार्रवाई पर बढ़ा विवाद, बीएमसी पर लगा अदालत की अवमानना का आरोप। कंगना ने लगाया अदालत की अवमानना करने का आरोप, अदालत ले जा सकती है कंगना अवमानना का मामला।
कंगना रनौत ने एक दिन पहले उनके दफ्तर पर हुई बीएमसी की कार्रवाई के मामले में आर पार की लड़ाई का फैसला कर दिया है। अपने दफ्तर पर दो घंटे तक चले बीएमसी के हथौड़े और बुलडोजर के जवाब में कंगना ने अपने तेवर और तीखे कर लिए हैं। उनके दफ्तर मणिकर्णिका फिल्म्स में हुई तोड़फोड़ को गलत साबित करने के लिए कंगना ने कोर्ट का रुख किया है। अब कंगना इस कार्रवाई को अदालत की अवमानना से भी जोड़ने जा रही हैं। नोटिस देकर 24 घंटे के भीतर बीएमसी ने जो कार्रवाई की उससे कंगना के सपने पर भी हथौड़े चले। कंगना के पाली हिल स्थित इस दफ्तर की कीमत करीब 48 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसका सपना कंगना ने 15 साल पहले देखा था, लेकिन दो घंटे तक बीएमसी ने इस सपने को कुचलने में पूरी ताकत झोंक दी। और ये तब हुआ जब कंगना ने मनाली से चंडीगढ़ होते हुए मुंबई का रुख किया। वो मुंबई पहुंचती उससे पहले ही उनके दफ्तर पर बीएमसी की टीम ने धावा बोल दिया। और जैसे जैसे कंगना को अपने दफ्तर की तोड़फोड़ की तस्वीरें मिलती गईं, उन्होंने इसे ट्वीट करना शुरू कर दिया। दुनिया तक अपनी बात और बीएमसी की कार्रवाई की तस्वीर पहुंचाने के लिए कंगना ने ट्विटर पर #deathofdemocracy की मदद ली। #deathofdemocracy यानी लोकतंत्र की हत्या। और एक के बाद एक लगातार 5 वीडियो के जरिए बीएमसी की कार्रवाई को दुनिया के सामने रखा। कंगना के वीडियो में बीएमसी की कार्रवाई ने लोगों का पारा सातवें आसमान पर चढ़ा दिया और कई लोग बीएमसी की इस कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने अपने गुस्से को छिपाया भी नहीं। हम लोग पब्लिक बोलता है, बातों सिरे को तोड़ जाके नहीं तोड़ना चाहिए। कंगना ने 2019 में आई अपनी फिल्म मणिकर्णिका के नाम पर अपने दफ्तर का नाम रखा था। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी। कंगना ने ये 3 मंजिला इमारत कुछ साल पहले खरीदी थी। इसमें 565 वर्ग फीट पार्किंग एरिया अलग से है। कंगना ने पर्यावरण को ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्शन हाउस को पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री बनवाया था। साथ ही स्टूडियो में कस्टमाइज और हैंडमेड फर्नीचर का इस्तेमाल किया गया है। वुडन फ्लोर और टेक्सचर वॉल के जरिए ऑफिस को एथनिक लुक दिया गया है। इतने शौक से बनाए दफ्तर को तोड़े जाने पर कंगना इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए। कंगना की याचिका पर अदालत ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाने में देरी नहीं की और बीएमसी से इस मामले में जवाब भी मांग लिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी के खिलाफ तल्ख टिप्पणियां भी की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बीएमसी ने जो कुछ किया उसके पीछे दुर्भावना है और ये काम निंदनीय है। बीएमसी के निर्माण ढाने के काम में बदनीयति नजर आती है। बीएमसी अचानक नींद से जागकर नोटिस जारी कर देता है। ऐसा तब होता है जब याचिकाकर्ता राज्य से बाहर है। बीएमसी ने ऐसी तेजी अवैध निर्माणों पर दिखाई होती तो शहर बेहतर होता। के जो नोटिस इंस्पेक्शन किया वो इंस्पेक्शन ही उनका इलीगल था, क्योंकि कंगना की गैर हाजिरी में वो ऐसे जबरदस्ती दादागिरी करके घर में घुस के इंस्पेक्ट नहीं कर सकते थे जी। कंगना ने उनको बताया था कि मैं आ रही हूँ 9 तारीख को, उसके बाद आके आपको जो करना है कर लो आप, मगर वो रुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने धमकी ना कि खाली मेरे क्लाइंट को दी, क्लाइंट के अड़ोस पड़ोस को भी धमकी दे दी कंगना के नाम पे कि आप इनको सोशली बॉयकॉट करो और नहीं तो हम आपके घरों को भी अटैक करेंगे। जो उनके पर्सनल आर्टिफैक्ट्स थे, जो उनकी पेंटिंग्स थी, जो उनके कीमती दूसरा आइटम्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर था, उनके लाइट्स, फैंस, जो महंगी महंगी आइटम्स थे, लाइट्स सब महंगी महंगी थी, सब तोड़ दिया उन्होंने। देखिए 10:35 पे इन्होंने चिपकाया, 10 बजे से लोग मौजूद थे तोड़ने के लिए। तो इससे आप ही को समझ में आ जाता है कि भाई ये नोटिस खाली दिखाने के लिए चिपकाया है, तोड़ना तो उनको था ही। बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठने की ठोस वजहें हैं। दरअसल बीएमसी ने 24 घंटे में कंगना को 2 नोटिस भेज दिए और फिर बीएमसी की एक टीम जेसीबी मशीन, क्रेन और हथौड़े लेकर ऑफिस पहुंच गई और कंस्ट्रक्शन तोड़ डाला। कंगना के वकील ने बीएमसी के नोटिस को अवैध बताया। अब इसे अदालत की अवमानना से भी जोड़ा जा रहा है। कंगना के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक है। ये रोक कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। मुंबई में भी 30 सितंबर तक लॉकडाउन है, इसीलिए कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। ऐसे में बीएमसी पर अदालत की अवमानना के आरोप लगने लगे हैं। हालांकि मुंबई की मेयर बीएमसी की कार्रवाई का समर्थन करती नजर आ चुकी हैं। तो बीएमसी किसी के ऊपर रिवेंज नहीं कर सकते, बदला लेने के लिए बीएमसी का क्या रोल है, बीएमसी क्या किस पक्ष की नहीं होती है। बीएमसी खुद के रूल चलाती है। तो बीएमसी ने कंप्लेंट आने के बाद तहकीकात करने के लिए अंदर गई है, उनको लगा है कुछ गलत हुआ है और उन्होंने नोटिस दिए, तो उन्होंने प्रूव करना चाहिए मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है।
कंगना के दफ्तर में बीएमसी ने जो कमियां निकाली उसकी बाकायदा एक फहरिस्त तैयार की। नोटिस के जरिए बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर अवैध निर्माण गिनवाए हैं। नोटिस के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर टॉयलेट को अवैध तरीके से ऑफिस केबिन बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर स्टोर रूम में अवैध तरीके से किचन का निर्माण किया गया। अवैध निर्माण कर सीढ़ियों के बगल में स्टोर रूम में और पार्किंग में टॉयलेट बनाए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर पेंट्री का निर्माण भी अवैध है। फर्स्ट फ्लोर पर लिविंग रूम में लकड़ी का पार्टीशन कर अवैध तरीके से कमरा और केबिन बनाया गया। फर्स्ट फ्लोर पर चौक एरिया में टॉयलेट का निर्माण भी अवैध है। फर्स्ट फ्लोर पर अवैध तरीके से आगे की ओर एक स्लैब का निर्माण किया गया है। सेकंड फ्लोर पर सीढ़ियों की दिशा और जगह बदली गई है। सेकंड फ्लोर पर बालकनी को बैठने की जगह में शामिल कर दिया गया है। पार्टीशन की दीवार तोड़ी गई है। बीएमसी की कार्रवाई पर कंगना ने ट्विटर पर भी अपने तेवर दिखाए। कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई की तुलना बाबर तक से कर डाली। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना ने सामना के जरिए एक बार फिर कंगना पर पलटवार किया। सामना ने संपादकीय में क्या लिखा है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। सामना में लिखा गया कि मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करना और मुंबई पुलिस को माफिया आदि बोलकर खाकी वर्दी का अपमान करना बिगड़ी हुई मानसिकता के लक्षण है, ये सामना में लिखा गया। आगे लिखा गया है कि महाराष्ट्र की 11 करोड़ मराठी जनता और मुंबई का अपमान, मतलब देशद्रोह जैसा अपराध प्रतीत होता है। मुंबई को पूरी तरह से कंगाल करके एक दिन इसे महाराष्ट्र से तोड़ने की करतूत नए सिरे से रची जा रही है। तो यह सामना में लिखा गया है कंगना पर निशाना साधते हुए। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कंगना के समर्थन में बीएमसी पर हमला किया है। उन्होंने बीएमसी के अधिकारियों की डकैत से तुलना करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि कंगना के इन्हीं रहने पर, यहां रहने नहीं रहने पर उनके घर में घुसे लोग। तो ये बड़ा हमला चंद्रकांत पाटिल की तरफ से, आइए सुनवाते हैं आपको कहा क्या उन्होंने। आप लगातार बीएमसी की तत्परता इतना तेजी के साथ 24 घंटे के भीतर नोटिस जाती है और तुरंत तोड़क कार्रवाई शुरू हो जाती है, उसको कैसे देखते हैं? पालक मंत्री के 10-10, 11-11 स्टूडियो अनधिकृत है, उसको तोड़ने के लिए इनके पास तत्परता नहीं है, लेकिन इनके पास कंगना का ऑफिस विदाउट नोटिस तोड़ने के लिए तत्परता है। कोर्ट ने ऐसा झड़ा है उनको। अरे भाई, एक महिला के घर में वो न होते हुए घुसते हो, ये दरोड़ा है, डकैती है। तो कंगना ने उन पर यह आरोप, उन पर केसेस लगाने पड़ेंगे कि मेरे घर में घुसे और कई मेरी चीजें गई। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि ये डकैती करने जैसा है जो सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ। ये डकैती है, क्या क्या कंगना के घर से गया मालूम नहीं। उन्होंने एक बार उसका छानबीन करके पुलिस में कंप्लेंट देनी चाहिए कि मेरे घर में से कुछ कई चीजें गई। अरे कोई नोटिस नहीं, कोई घर में उपस्थित नहीं और तोड़ने निकले। तो ये बीजेपी के अध्यक्ष महाराष्ट्र में चंद्रकांत पाटिल भले ही सियासत करते हुए, लेकिन ये सही है कि कोर्ट की तरफ से तीखी टिप्पणी की गई है। कल जो कार्रवाई कंगना के दफ्तर पर बीएमसी ने की, हम सीधे दिवाकर की तरफ रुख करते हैं। मुंबई से लगातार कंगना रनौत के घर के बाहर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, वहां पर कोई हलचल आप देख पा रहे, क्योंकि आप ये जानकारी दे रहे थे कि हो सकता है कि कंगना रनौत अब रंगोली के साथ अपने दफ्तर पहुंचे। गायत्री, देखिए अभी तक कोई हलचल तो दिखाई नहीं दे रही। फिर मैं एक बार फिर से उनके घर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जो उनका कंपाउंड है। साफ तौर पर वो कंपाउंड मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्या तस्वीर है इस वक्त यहां पे। ये तस्वीर देखिए, यहां पर नहीं आ रही, लेकिन जो पुलिस के जवान है, मुंबई पुलिस की जो सुरक्षा यहाँ पर कंगना रनौत के घर पर, वो इस वक्त जो है कंपाउंड के बाहर नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक कंगना के उतरने की कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। लेकिन जानकारी यही है कि कंगना जो है, हो सकता है कि अभी अपनी बहन के साथ निकले, या फिर जो कोर्ट का में सुनवाई है उसके दौरान जो है, जब कोर्ट का फैसला आ जाए उसके बाद हो जाए। क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने बीएमसी को लेकर टिप्पणी की है कल, और खासतौर पर उनसे रिप्लाई मांगा है, सवाल कई कोर्ट करेगी बीएमसी से कि आखिर आपने किस नियम के तहत कार्रवाई की। लॉकडाउन महाराष्ट्र में है, उस दौरान थोड़ा कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से पाबंदी है, तो आपने कैसे कर दी। और इसके अलावा कई सारे सवाल, क्योंकि अगर घर में जिसका घर है वही मौजूद नहीं है, जिसका दफ्तर है वही मौजूद नहीं है, तो आपने नोटिस चिपका के थोड़ा कार्रवाई कैसे की। ये महत्वपूर्ण है और इन्हीं सवालों को उठाया जाएगा कोर्ट में। जब आज करीब 3 बजे अरुण बता रहे थे कि इस पूरे मामले पर जो कंगना की तरफ से याचिका दाखिल की गई है उस पर सुनवाई होगी, उसमें कहा जाएगा कि हाईकोर्ट की भी अवमानना। हाईकोर्ट ने कहा था किसी तरह का डिमोलिश नहीं किया जा सकता फिलहाल, उसके बावजूद बीएमसी ने आखिर कार्रवाई क्यों की। कंगना उनके फ्लैट पर मौजूद नहीं थी, फिर कैसे
जो बीएमसी की टीम है वहां पर पहुंची, दफ्तर पहुंचती और कार्रवाई करती है उनकी एब्सेंस में। हम लौटेंगे दिवाकर आपके पास, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर की कंगना रनौत के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई से महाराष्ट्र के राज्यपाल भी है नाराज। राज्यपाल ने सीएम उद्धव ठाकरे के सलाहकार को राजभवन में तलब किया और अपनी नाराजगी जाहिर की और इस कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट तलब की और साथ ही इस तरीके से की गई बदले की कार्रवाई ना करने की नसीहत भी राज्यपाल की तरफ से दी गई है। तो आपको बता दें महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जिनकी तरफ से बाकायदा सीएम के जो सलाहकार हैं उनको तलब किया गया है और उन्होंने तलब करते हुए यह कहा है कि इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। सीधे रुख अरुण की तरफ। अरुण लगातार हमारे साथ कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर से बने हुए हैं। अरुण, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी अब इस पर नाराजगी जताई और तलब किया है सीएम के सलाहकार को। देखिए, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी संविधान की रक्षा के लिए ही केंद्र के प्रतिनिधि किसी राज्य में होते हैं। बीएमसी लाख ये कहे कि वो लीगल एक्शन ले रही है, महाराष्ट्र सरकार लाख कहे कि लीगल एक्शन ले रही है, लेकिन राज्यपाल के पास अधिकार होता है कि वो राज्य सरकार के कदमों को, राज्य सरकार के कार्यों की समीक्षा करें और उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री के आसपास के लोगों से नाराजगी जताई है कि जिस तरह से कार्रवाई होती हुई दिख रही है। खुद शरद पवार ने भी इस पर उंगली उठाई है और राज्यपाल ने भी उंगली उठाई है। सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं है, सवाल टाइमिंग का है और सवाल ये है कि कार्रवाई अभी क्यों की गई। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो दफ्तर है, जो पाली हिल में दफ्तर है, ये आज का नहीं बना, 2018 में इसकी खरीद हुई थी, उसके बाद से लगातार बन रहा था। तो बीएमसी क्या बीच में कभी इसका इंस्पेक्शन करने नहीं आई? क्या उसने इस अवैध निर्माण को होने दिया? क्या कंगना के बयानबाजी के बाद ही उसको नजर आया ये और उनका घर? तो ये सवाल है और वही सवाल राज्यपाल ने बिल्कुल पूछा। ये सवाल है कि अचानक से कार्रवाई की याद कैसे आ गई और ये तो वही बीएमसी है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था किस तरीके से मुंबई की जो सड़कें थी वो तालाब में तब्दील हो गई थी, लोग लगातार सवाल उठा रहे थे लेकिन वो बीएमसी कहीं दिखाई नहीं दी थी। लौट रहे आपके पास, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि अपने दफ्तर पर हथौड़ा चलने से नाराज कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार पर हल्ला बोल दिया है। कंगना रनौत के निशाने पर खासकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुंबई पहुंचने के बाद भी कंगना के तेवर नरम नहीं पड़े और माना यह जा रहा है कि कंगना रनौत इस मामले में पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। हालांकि इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट के तेवर देखने के बाद इस विवाद में अब शिवसेना का रुख नरम पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि इससे पहले खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा में इशारों में कंगना पर तंज कस चुके हैं लेकिन इससे कंगना पर कोई असर नहीं पड़ा और कंगना ने जवाबी हमले और तेज कर दिए। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता, ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ है क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। दफ्तर पर कार्यवाही के बाद कंगना ने खोला मोर्चा। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कंगना ने खोला मोर्चा। कंगना रनौत ने सीधे उद्धव ठाकरे को ललकारा। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। दफ्तर पर कार्रवाई से कंगना और महाराष्ट्र सरकार में ठनी। पहले कंगना रनौत के बयान पर विवाद और फिर उस पर शिवसेना के नेताओं का आपत्तिजनक बयान। बयानों की इस सरगर्मी में विवाद का जो सफर शुरू हुआ वो कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई तक पहुंच चुका है। इसके बाद से कंगना के जैसे तेवर दिखे हैं उसने हर किसी को हैरान कर दिया। कंगना ने सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ललकारना शुरू कर दिया है। कंगना के बयानों का जो सिलसिला मनाली से शुरू हुआ वो मुंबई पहुंचते पहुंचते और तेज हो गया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? कंगना के ये तेवर तब है जब उन्हें शिवसेना ने मुंबई आने पर देख लेने की धमकी दी थी। इन धमकियों के बावजूद कड़ी सुरक्षा के बीच कंगना मुंबई पहुंची और उन्होंने अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ की वीडियो ट्विटर के जरिए दुनिया से साझा की। कंगना ने एक के बाद एक लगातार 5 वीडियो डाली। इन तस्वीरों में बीएमसी की बेरहमी की निशानियां दिखी और अपने दफ्तर की हालत देखकर कंगना का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा और उनकी जुबान पर बार बार उद्धव ठाकरे आए। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा।
ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। असल में कंगना को लगता है कि इस लड़ाई में वो अकेली नहीं है। कंगना को किसी सियासी पार्टी का समर्थन हो या ना हो, लेकिन मुंबई में जिस तरह कंगना के समर्थन में लोग सड़कों पर निकल आए, उससे कंगना का भरोसा बढ़ा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में इंसाफ की मांग करने के लिए उन्हें जिस तरह लोगों ने सराहा, माना जा रहा है कि उससे भी कंगना का हौसला बढ़ा है। इसी हौसले के भरोसे कंगना ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला जारी रखा। मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी। क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जब कंगना के दफ्तर पर हथौड़े चल रहे थे, एयरपोर्ट से लेकर उनके दफ्तर तक लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। इनमें कंगना का विरोध करने वालों से लेकर कंगना के समर्थक तक थे। लेकिन कंगना इस बात से खुश बताई गई कि उनका समर्थन करने वालों में मुंबई के वो लोग भी हैं जो कभी शिवसेना के समर्थक हुआ करते थे। कंगना अपने इन समर्थकों का भी ध्यान रखती थी, इसीलिए जब उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर अपना बयान खत्म किया तो आखिरी पंक्ति में मुंबई और महाराष्ट्र की जय जयकार करना नहीं भूले। ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना के समर्थन में अब तक महाराष्ट्र के दो सियासी दल खुलकर सामने आ चुके हैं। रामदास आठवले की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर कंगना का समर्थन करते दिखे, तो खुद आठवले ने कंगना के समर्थन में बार बार बयान दिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र से लेकर देश के दूसरे हिस्से के नेता खुलकर कंगना का समर्थन करते नजर आए। ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है। कंगना के मुंबई पहुंचने के बाद शिवसेना के बड़े नेताओं ने इस मामले पर चुप रहना शुरू कर दिया है। इस विवाद को हवा देने वाले संजय राउत अब खुद इस मुद्दे पर ज्यादा बोलने से बचते नजर आए, लेकिन शिवसेना के जिस मुखपत्र सामना के वो संपादक हैं, उसमें इस मामले का जिक्र फिर हुआ। सामना में लिखा गया, राजनीतिक एजेंडे को सामने लाने के लिए देशद्रोही पत्रकार और सुपारीबाज कलाकारों के राजद्रोह का समर्थन करना भी हरामखोरी ही है, मतलब माटी से बेईमानी ही है। जो लोग महाराष्ट्र के बेईमानों के साथ खड़े हैं, उन्हें 106 शहीदों की बद्दुआ तो लगेगी, लेकिन राज्य की 11 करोड़ जनता भी उन्हें माफ नहीं करेगी। मुंबई माता का अपमान करने वालों का नाम महाराष्ट्र के इतिहास में डामर से लिखा जाएगा, बेईमान कहीं। ये लोग अब राष्ट्रभक्ति का तुनतुना न बजाए, बस इतनी ही अपेक्षा है। जाहिर है शिवसेना इस मुद्दे को मराठा कांड में बदलने की ताक में है, लेकिन क्या शिवसेना इसमें कामयाब हो पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा।